वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट TVS चैप्टर 4 और इसका नाम है लेट्स क्लीन टुगेदर. और इसका पढ़ेंगे पार्ट 1. लेट्स क्लीन टुगेदर का मतलब है कि आओ हम साथ मिल करके क्या करें सफाई का, कि आओ हम मिल करके क्या करें सफाई का काम करें. तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं सफाई रखते हैं, तो इससे क्या होता है हम जो बहुत सी डिजीज़ होती है उनसे दूर रहते हैं. तो इसके लिए जो हमारे एक प्रोग्राम चला गया था वो था क्लीन इंडिया मिशन, और इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती आती है तब. जैसा कि आपको पता ही है कि गांधी जी जो थे वो सफाई के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर थे, बहुत ज़्यादा सफाई का वो ध्यान रखा करते थे और सफाई वो खुद ही कर लिया करते थे. तो इसी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको सफाई पसंद थी और वो हमारे क्या हैं फादर ऑफ द नेशन भी हैं, तो इसीलिए क्लीन इंडिया मिशन जो है वो 2 अक्टूबर को चलाया गया था. तो इसी के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. अब देखो चैप्टर लेट्स क्लीन टुगेदर, जो चैप्टर का नाम क्या है लेट्स क्लीन टुगेदर, कि आओ हम साथ मिलकर के क्या करें सफाई करें. तो इसे आप ध्यान से देखना, लेट्स लुक केयरफुली. वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल. हम क्या कर रहे थे सेलिब्रेट कर रहे थे गांधी जयंती को ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में. On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country. On that day, मतलब उस दिन, the work of cleanliness, सफाई का जो काम था was going on, वो चल रहा था on at all the places, मतलब बहुत सी जगहों पर चल रहा था under the Clean India Mission in our school. है ना, हाँ, ये कहाँ पर चल रहा था क्लीन इंडिया, इंडिया जो मिशन है क्लीन इंडिया मिशन. वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो अंडर दिस मिशन. तो ये जो मिशन चल रहा था, मिशन क्या होता है अभियान, है ना, इस मिशन के अंडर हम भी क्या कर रहे थे हमारी स्कूल को साफ कर रहे थे. गंगा टुक पार्ट इन इट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म. गंगा जो है उसने बहुत उत्साह से इसमें पार्ट लिया था. आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, जब ये क्लीनिंग वर्क ख़त्म हो गया, जब ये कम्प्लीट हो गया, तब गंगा सॉ दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तब गंगा ने क्या देखा कि जो स्कूल है बहुत ज़्यादा कैसी दिखाई दे रही थी, साफ दिखाई दे रही थी. व्हेन गंगा वेंट होम, जब गंगा घर आई, शी नैरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर. तब उसने जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो आज जो भी घटनाक्रम हुआ था स्कूल में, वो अपनी मम्मी को बताया. एंड ऑल्सो प्रोमिस टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम, क्योंकि वो सफाई की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ गई थी कि सफाई करने से देखो स्कूल हमारा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है. इसलिए उसने प्रोमिस किया कि वो क्या करेगी, हेल्प करेगी अपनी मम्मी की घर की सफाई में. अब देखो ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं पीपल क्लीनिंग के रोड, जिसमें लोग एक रोड की सफाई कर रहे हैं, और ये है नीट एंड क्लीन स्कूल. ये एक नीट एंड क्लीन स्कूल आपको दिखाई दे रहा है. तो आप भी कभी कभी अपने ये जो घर होता है इसको भी क्लीन करते हो और स्कूल को भी क्लीन करते हो. तो इस चैप्टर का नाम ये लेट्स क्लीन टुगेदर, कि आओ हम मिल करके क्या करें सफाई करें. तो इससे जो आपको इतना समझा है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको आज करवाएंगे, और इनको आपको क्या करना है अपने नोटबुक में नोट करना है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले हम हेडिंग लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर क्वेश्चन फर्स्ट, answer the following questions. ये जितना आज आपको पढ़ाया है इसी में से ये questions हैं जो आपको क्या करना है, इनको सोचना है और फिर इनके answer
देने हैं। क्वेश्चन वन है क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल ऑल्सो। मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल ऑल्सो। इन योर स्कूल ऑल्सो कि क्लीन इंडिया मिशन जो है ये आपके स्कूल में भी चलाया गया होगा। यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वॉट टाइप्स ऑफ वर्क्स, तो इसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वॉट टाइप्स ऑफ वर्क्स, इन वॉट टाइप्स ऑफ वर्क्स तो ये आपको बताने हैं। तो इसमें क्या बताना है कि क्लीन इंडिया मिशन जो आपके स्कूल में चलाया गया तो उस टाइम आपने किस टाइप के वर्क किए। कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब आपने किस टाइप के जो वर्क थे उनमें अपना योगदान दिया, कौन से आपने काम किए। तो आपको बताना है हमने क्या क्या काम किए। तो इसमें सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि वी क्लीन्ड ऑल ओवर द स्कूल। वी क्लीन्ड ऑल ओवर द स्कूल, हमने पूरे स्कूल की क्या करी, सफाई की। उसके बाद में ये देखो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, डस्टबिन का यूज़ किया। वी यूज्ड डस्टबिन्स क्या करने के लिए। तो आपके इसमें क्या क्या फैले हुए रहते हैं, टू थ्रो क्या फेंकने के लिए। देखो एक तो इसमें है आते हैं बिट्स ऑफ पेपर्स, है ना, पेपर के टुकड़े आते हैं बिट्स ऑफ पेपर्स। और क्या रहते हैं, रैपर्स रहते हैं, टॉफीज के रैपर्स भी रहते हैं ना। जिनमें टॉफीज आती है उनके जो रैपर होते हैं, टॉफीज रैपर्स। और इसके अलावा पेंसिल शेविंग्स भी होती हैं। पेंसिल शेविंग्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, एक्सेट्रा। तो इनको हमने फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज़ किया। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, वी क्लीन द गार्डन्स। वी क्लीन्ड द गार्डन, हमने हमारे स्कूल के गार्डन को साफ किया। वी क्लीन्ड द गार्डन। और इसके अलावा अरेंज किया फ्लावर पॉट्स को प्रॉपरली। एंड arranged the flower pots properly, ठीक से उनको रख दिया flower pots को। है ना, और भी लिख सकते हैं जैसे we watered the plants, हमने पौधों को पानी दिया।
और इसके अलावा वी क्लीन द विंडोज़, हमने विंडोज़ की सफाई करी, वी क्लीन द डोर्स, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, वी क्लीन द वॉल्स, वी क्लीन द फ्लोर, ठीक है, तो इसमें इतना आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन वन जो है ये कंप्लीट है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिसिंग इन दिस मिशन। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय What did you experience by participating in the mission? Participating in this mission. तो इसमें क्या पूछा है कि आपने कैसा एक्सपीरियंस लिया, आपको क्या अनुभव हुआ जब आपने इस मिशन में पार्टिसिपेट किया, तो आपको कैसा लगा। तो आई एक्सपीरियंस दैट वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड गार्बेज फ्री, है ना, अच्छा लगा हमें, है ना। तो लिखेंगे आई एक्सपीरियंस्ड that we should keep our surroundings. Keep our surroundings कि हमें हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए एंड गार्बेज फ्री रखना चाहिए। यदि हम क्लीन रखेंगे और गार्बेज फ्री रखेंगे, यदि हमारी हैबिट ही बन जाएगी तो क्या होगा, इससे ज़्यादा हमारा काम फैलेगा भी नहीं और हमें अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, आफ्टर वर्किंग under the clean India mission, what changes have you made in your habits? Have you made in your habits? कि जब आपने क्लीन इंडिया मिशन में काम किया तब आपकी हैबिट में क्या चेंजेस आ गए। तो इसमें हम लिखेंगे पॉइंट्स कि अब हमने क्या करना सीख लिया था, क्योंकि हमने क्लीनलीनेस जो थी इसकी इम्पोर्टेंस जो थी हमें पता लग गई थी, इसलिए अब हम क्या करते हैं। तो इसके बाद में इसमें लिखेंगे आई नेवर थ्रो पेन्स पेपर
या फिर लिख सकते हैं आई नो आई नेवर थ्रो गार्बेज इन माई क्लास, है ना। क्लास में किस टाइप का गार्बेज होता है? पेपर के रैपर्स होते हैं टॉफीज़ के, पेंसिल शेविंग्स होती है, और इसके अलावा हमें ये चेंज भी आ गया कि हमेशा हमने ये ध्यान रखा कि हम अपना घर भी साफ रखते हैं। आई ऑलवेज क्लीन माई हाउस ऑल्सो, ठीक है, मैं हमेशा अपना घर भी साफ रखता हूँ या रखती हूँ। थर्ड नंबर, आई ऑलवेज ट्राई टू रीयूज वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रीयूज करने का हमने सोचा। और इसके अलावा आई हेल्प माय मदर, और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि हमें हेल्प करनी चाहिए अपनी मदर की। आई हेल्प माय मदर इन क्लीनिंग माय हाउस, तो ये भी हमने सीख लिया कि हमें अपनी मम्मी की या जो भी घर पे काम करते हैं उनकी सफाई में हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं और ये आपके 3 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।